तो काम पे तो आपको 100 में से 100 देने पड़ेंगे। नंबर दोगे ना आप, 100 में से 100 ही देने पड़ेंगे। वो चाहे बीजेपी के भी हो ना, तो घटा के 99 नहीं कर सकते, क्यों काम बोल रहा है ये पार ना ले, कर नहीं सकते। वो ठीक है कोई विचारधारा से बंधा हो सकता है, किसी की कोई भावना हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन आप एक विधायक के रूप में, आपके जनप्रतिनिधि के रूप में जब आकलन करेंगे, बिठाओ बच्चे, आकलन करेंगे, तब यह है कि हाँ कौन काम करता है और कौन नहीं करता। क्या हमारी परेशानियां थी, उसका क्या काम किया, उसको कितनी जल्दी किया, उसमें हमने आपके कोई कमी नहीं रखी। और भी कोई काम होंगे तो आगे भी चेरई के अंदर आपके कोई कमी नहीं रखेंगे, इस बात का मैं आश्वासन देती हूँ। और अब आप जो नए कोई काम लेके आ जाओ, तो अब कोई काम बहुत जल्दी में नहीं हो सकते, कोशिश हम भले ही कर सकते हैं, लेकिन अब काम 15-20-25 दिन में नहीं होते हैं, बड़े काम। छोटे मोटे तो आपके बिजली के कनेक्शन है, क्या है, वो तो हम कह देंगे, वो तो एक सतत प्रक्रिया का भाग। पर बड़े कोई काम अगर आप स्वीकृत कराना चाहते हैं, तो उसका बजट बनता है, बजट में उसका पैसा स्वीकृत होता है, फाइनेंस के अंदर वित्तीय स्वीकृतियां मिलती हैं, वो काम इतने जल्दी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप कोई बताओगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो अगली बार करा देंगे। आपकी सारी की सारी मुख्य मांगे हमने पूरी कर दी। ओल्ड में आप नहीं दे सकते कि हमारा ये काम नहीं किया, ठीक है ना, कि आप बुलाओ और को ये कहा था और ये नहीं कहा। इसलिए आपसे यही आशा करती हूँ कि जिस स्नेह, जिस प्रेम के साथ में आपने मुझे 15वीं विधानसभा में भेजा था, मैं आज 5 साल बाद इस संतुष्टि के साथ आपके बीच में आई हूँ कि मैंने वो सारे पूरे आपके काम किए जिन पे हमने वादा पूरा किया। और यही आशा करती हूँ कि आगे भी आपके हो गई थी तो तुरंत उसको भी करवाया, और 2 बड़ी-बड़ी सड़कें आपकी ओसिया से चेरई और भीकमकोर से चेरई, उसका सौंदर्यकरण और चौड़ाई हुई बड़ी लागत से, वो भी एक बहुत मुख्य मांग थी आपकी। ओसिया से चेरई के लिए तो आप बार बार आ रहे थे कि साहब गड्ढे हैं, देखो क्या है, वो भी सौंदर्यकरण के अंदर रिपेयर भी उसको वापस सदरीकरण में लिया गया। तो चेरई के संबंध में ये है कि आपकी जितनी भी मुख्य मांग आप लेकर आए, वो हमने समस्त पूरी कर दी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं छोड़ी है। अब बिजली है, ट्रिप हो जाती है, फीडर चेंज हो गए, ये सतत प्रक्रिया के काम है। आप जैसे करते हो वैसे करते रहते हैं, जिस तरीके से समस्या आती है उसका निस्तारण हम करते रहते हैं। और भी अगर कोई आपके यहाँ की समस्याएं होंगी तो निश्चित रूप से आगे उसको भी देखने का काम हम करेंगे। 5 साल पूरे हो गए, कभी भी आचार संहिता लगेगी अक्टूबर में और चुनाव की बिगुल बज जाएगी। जब आप काम पे आकलन करोगे कि चेरई के अंदर हमने जो जो वादे करे थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, हमने जो जो मांग पूरी मांगी थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की लेखा जोखा क्या है, तो वो आज लेखा जोखा मैं आपको देकर जा रही हूँ कि जो जो मांग आपने करी, चाहे आपकी स्कूल 12वीं करवानी हो, चाहे स्कूल में साइंस दिलवानी हो, अंग्रेजी माध्यम कराना हो, आपके अलग से स्पेशल SR करानी हो, आपकी रोड करानी हो, जो भी आपकी निरंतर मांगे थी वो हमने सारी पूरी करवा दी।